हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू। ये ली है मैंने अलसी, जिसको कहते हैं फ्लैक्स सीड। ठीक है, अपने नाप से ले ली मैंने अंदाजे से। ये वाइट वाले तिल हैं, आप वाइट तिल डालो चाहे ब्लैक तिल डालो, आपकी मर्जी है, पर तिल डाल लो तो अच्छा है। और ये है मैंने चने, भुने हुए चने, थोड़े से बादाम, मूँगफली, गुड़, गुड़ की चाशनी बनाएंगे, और साथ में है ये मखाने। मखाने तो अच्छे लगते हैं इसमें। तो हमने क्या करना है, इसको फ्लैक्स सीड, उन सब चीज़ों को हमने भूनना है, इसको भी भूनना है, सबको ही भूनना है, तकरीबन सबको ही भूनना है। सिर्फ गुड़ की चाशनी बनानी है, और फिर हमने बनाने हैं लड्डू। तो मैंने गैस चढ़ा दी है, ये देखिए गैस चल रही है, कढ़ाई रख दी है मैंने, और कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड, इसको लो गैस पर हमें भूनना है, इस तरह से हिलाते हिलाते भूनना है, क्योंकि अगर तेज़ गैस पर हम करेंगे तो क्या होगा कि जल्दी जल जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे, इसको धीरे धीरे भूनेंगे आराम आराम से। गैस जहाँ गर्म है तो थोड़ी देर तक 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये चटकने ना लग जाए, इसमें से चटकने की आवाज़ ना हो जाए। उसके बाद इनको निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है फिर सारी चीज़ों को हल्का हल्का भूनेंगे, मूँगफली को भी भूनना है, मखानों को भी भूनना है, और क्या कहते हैं इसको, सबको ही भूनना है, मतलब बादाम को सब भूनना है, और उसके बाद उनको ग्राइंड करना है, ये सबको ग्राइंड करना है, और उसके बाद चाशनी बना के इसमें मिक्स करनी है, और फिर आराम से लड्डू, फटाफट लड्डू बना लेंगे। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बनाने की, रोज कल 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 मैंने कहा आज बना ही लेते हैं। स्लो गैस पे धीरे धीरे करते रहेंगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। चलिए और अब हम मखाने कर लेते हैं रोस्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ बिना घी के, बस हिलाते रहो थोड़े, और थोड़े से 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। ये देखिए हार्ड, एकदम सॉफ्ट है ना अभी, जब हो जाएंगे तो एकदम टूटने लगेंगे। तो इसको भी करके हम निकाल लेते हैं, हर एक को हर एक की कटोरी में वापस निकाल लेते हैं। उसके बाद ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये भी सब एक एक करके सबको करना है मुझे। ठीक है, इसमें ना मैं ओट भी डालूंगी, और ये है गोंद, ये भी डालूंगी, गोंद को घी में तलेंगे, और ये जो ओट है ये भी डालूंगी। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए मैं मूँगफली भून रही हूँ, और जो है ये मूँगफली स्लो गैस पर धीरे धीरे भूननी है, जब तक क्रंची नहीं हो जाती और इसका अंदर का मॉइस्चर नहीं ख़त्म होता, बस इसी तरह जब तक भुनती नहीं, ध्यान रखना है काली ना हो जाए। तो मेरे वो जो थे मखाने थोड़े से काले हो गए, क्योंकि उसको मैंने सोखा दिया, मूँगफली भुन गई थी निकाल लिया, अब ये चने भून रही हूँ मैं, इसका मॉइस्चर निकालना है, हल्के से ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि चने तो पहले ही भुने हुए हैं, कोई कच्चे तो है नहीं। तो बस को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद करूँगी बादाम। चलिए जी, थोड़ा सा ओट को भी भून लेते हैं, सबकी बारी आ रही है एक एक करके, लास्ट में आएगी गुड़ की बारी। ठीक है, बस इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, हिलाते हिलाते। ठीक है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद गैस स्लो ही है, बस उसके बाद आ गए मेरे तिल। ठीक है, लास्ट आ गया हमारा ये, इसको पता है मैंने थोड़ा सा घी डाला है, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 चम्मच, क्योंकि जितनी है उतनी डालूँगी, है ही तो नहीं थी मेरे पास, ये तो शायद मैं क्वांटिटी ज़्यादा भी डाल लेती, और ये पहले की ला रखी थी और इतनी ही थी। बस इसको थोड़ा सा तल लेना है ताकि इसका क्रंची टेस्ट आ जाए। हाँ, ऐसे थोड़ा पलटना पड़ेगा, हाँ इस तरह क्रंची टेस्ट आने के लिए। चनों को निकाल दिया, अब बादाम भून लेते हैं, बादाम भी हो गए हैं, बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा काला बन आ रहा है निकाल का, ये भी हो ही गए, निकाल देती हूँ। ये भी गैस स्लो तेज में अपने हिसाब से करती रहती हूँ। तो ये देखिए ये भी हो गए, इसको भी निकाल देती हूँ। उसके बाद डालूँगी मैं, फिर मैं डालूँगी ये ओट। ठीक है, ये वाले ओट इनको भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद चलिए लास्ट आ गए तिल, वाइट वाले, बस ये फटाफट हो जाते हैं, तिल भी बहुत हेल्दी होते हैं, सारी चीज़ें ही, मखाने हेल्दी हैं, ओट हेल्दी हैं, सब कुछ हेल्दी है। और ये पता है दो तरह से बनते हैं, एक तो बनते हैं देसी घी में, आटे की पंजीरी बनाकर, जितना आटा लिया उतना ही देसी घी लेकर उसको भून के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर उससे क्या आता है वेट बढ़ता है, और मुझे वेट तो बढ़ाना नहीं है, हमें वेट तो कम करना ना, अलसी वैसे भी वेट कम करती है, पर अगर शुद्ध घी में बना के पंजीरी वाली बनाओगे तो वो वेट बढ़ाएगी। तो
बस इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद रह गया थोड़ा सा घी। एक एक करके चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। सबसे पहले आ रहा है ये जो है अलसी, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पहले ग्राइंड कर करके सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। इसी में डालते जाएंगे सारी चीज़ें एक एक करके। इसको ग्राइंड करके ले आती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ, फिर सबको धीरे धीरे करके करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। लीजिए अभी हो गया लास्ट था तिल, सबको बढ़िया हो गया एकदम। ये देखिए वो सब कुछ मिक्स हो गया, बढ़िया हो गया। अभी अंडा डालते हैं, ऐड कर देती हूँ, दिखाती हूँ आपको कितना बन गया ये, ठीक है। उसके बाद जो है इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद चाशनी की तैयारी करूँगी। चलो हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लीजिए कर ली ग्राइंड, ठीक है। ये देखिएगा डाल देती हूँ इसके अंदर, ये लो इतना हो गया, इतनी हो गई है देखिए, आधी हो गई। क्या चाहिए देखो, तो लो प्लेट, ये कटोरी है, ये ले ले, ठीक है। अब मैं डालती हूँ चने, चने करके ले आती हूँ और बाकी बाद में या तीनों चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। ये बादाम मूंगफली, इन तीनों को इकट्ठे कर लाती हूँ, ठीक है। चलो इसको ग्राइंड करके लाती हूँ और भी दिखाती हूँ। देखिए गोंद रह गई थी वो साइड में पड़ी रह गई, मैं उसको भी लग करके लाती हूँ, थोड़ी सी है, उसको भी मिक्सी में चला के आती हूँ। लीजिए अभी हो गया लास्ट था तिल, सबको बढ़िया हो गया एकदम। ये देखिए वो सब कुछ मिक्स हो गया, बढ़िया हो गया। अब इसके अंदर डालते हैं, ऐड कर देती हूँ, दिखाती हूँ आपको कितना बन गया ये, ठीक है। उसके बाद जो है इसको अच्छे से पहले मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद चाशनी की तैयारी करूँगी। चलो हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। लीजिए इन सब चीज़ों को मैंने ऐसे करके मिक्स कर लिया, धीरे धीरे करके आराम से, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह कर लिया, सारा मिक्स हो गया। अब करते हैं, हो गया मिक्स सारा इस तरह से, ठीक है। तो अब करते हैं इसके बाद तैयारी गुड़ की। ये गुड़ है, गुड़ को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ और ये आपको बताया था ये चॉकलेट है जो कनिका ने मुझे दी थी, 99% चॉकलेट वाली जो कड़वी है एकदम बहुत ज़्यादा, उसने कहा था इस तरह यूज़ कर लो। चलो तब गुड़ को मैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ, ये गुड़ पड़ा को छोटे टुकड़ों में काट के फिर मैं गैस जलाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिलाते रहेंगे और ये फिर हो जाएगी, ठीक है। जब ये बिल्कुल इसकी जो गांठे हैं बिल्कुल मतलब ये टुकड़े टुकड़े एकदम पिघल जाएंगे, उसके बाद फिर हम उसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू कर देते हैं। ये सारे टुकड़े छोटे छोटे कर लिए, ठीक है। इसको हिलाते रहना है, अभी गैस स्लो ही है मेरी, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा इसमें, पिघलना शुरू हो गई है तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो नीचे लग जाएगा। डाल ली पानी, बस इतना से ज़्यादा नहीं, इससे ही हो जाएगा। बस अब इसको हिलाते रहो, धीरे धीरे सारा पिघल जाएगा, गुठली कोई नहीं बचनी चाहिए इसमें। बस ऐसे हिलाते रहो, बस चॉकलेट का फ्लेवर भी आ जाएगा, चॉकलेट आई है। इस तरह बस हिलाते रहो जब तक पूरा नहीं पिघल जाता, ठीक है। नहीं तो नीचे लगने के चांसेस हैं इसके, धीरे धीरे बस इस तरह लगे रहो, ठीक है। तो हाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने धीरे धीरे करके ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से, थोड़ा ताकत लगानी है, नीचे का ऊपर नीचे का, देख सारा मिक्स हो गया, पहले बिल्कुल सूखा सूखा था, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। और अभी गर्म ही है, मैं इसके लड्डू बना के देख लेती हूँ लड्डू बनता है कि नहीं। ये देखिए सारा मिक्स हो गया, तो इसको मैं इसमें से निकाल देती हूँ, एक लड्डू बना के देखती हूँ बनता है कि नहीं। फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं, हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही कर रहे होते हैं। मुझे आज दोपहर को सब्जी बनाई थी चिकुंदा की। लीजिए व्यूअर्स, मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हैं, आप देख लीजिएगा, ये देखिए, और 35 लड्डू बने हैं। और क्योंकि मैं कर रही थी तो मैं कहा गिनी लेती हूँ, और जो है सारी हेल्प मेरी है, किसी से हेल्प नहीं ली मैंने, ली नहीं मैंने हेल्प, लेती तो शायद कोई हेल्प कर दे, मैंने खुद ही कर लिया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, पर चलो काम कंप्लीट हो गया। और ये इसकी जो बाइंडिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। गुड़ जो मैंने डाला अपने अंदाजे से बिल्कुल सही रहा, का कलर थोड़ा सा ब्लैक आया है क्योंकि कोई डार्क चॉकलेट डल गई है बीच में, और आज बच्चों ने उस डार्क चॉकलेट से स्मूदी भी बनाई थी केला डाल के,
केला डाला, दूध डाला और डार्क चॉकलेट डाली और मेरे ख्याल गुड़ डाला, पता नहीं चीनी डाली, खुद ही बना रहे थे दोनों ने, अपने लिए बना के पी ली थी, कनिका ने बनाई थी और उन दोनों ने बच्चों दोनों बच्चों ने पी ली। मतलब तो हुआ क्या कि ये जो है ना ये बहुत हेल्दी लड्डू हैं, एक दिन में एक ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगी। और ये अलसी के लड्डू हैं जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं, ये इसमें बिल्कुल घी नहीं यूज हुआ है, अगर मैं इसमें घी।